peeping it out. She turned around and was trying to put my dick in the mouth. I let her. तो हे गाइज व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। तो गाइज जैसे कि आपने प्रीव्यू में स्टेटस देखा गाइज, उस जो वाला साउंड है गाइज वो काफ़ी अभी के टाइम पर ट्रेंडिंग में है। जो भी उस टाइप की वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम रील्स पर अपलोड कर रहा है तो भाई सबका वीडियो वायरल हो रहा है। तो गाइज आज की इस वाली वीडियो में मैं भी बिल्कुल गाइज आपको उस टाइप की वीडियो क्रिएट करना सिखाऊंगा। तो गाइज इस वीडियो का फुल वॉच करना, और गाइज अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, गाइज आपको एडिट करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो गाइज मुझे आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम है vinishsonial2124। और गाइज मैं आपको बता दूं, आज ही मैंने अपना सेकंड चैनल क्रिएट कर लिया है। तो गाइज अगर आप मेरे सेकंड चैनल पर विजिट करना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे सेकंड चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अब मैं आपको बता देता हूँ कि उस टाइप का वीडियो कैसे आपको एडिट करना है। तो सिंपली गाइज आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन का नेम है VN। गाइज ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, वरना गाइज मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप सिंपली इसको ओपन कर सकते हैं। तो सिंपली गाइज आपको इसको डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली इसको ओपन कर देना है। तो गाइज जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपली गाइज आपको प्लस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा न्यू प्रोजेक्ट का। तो सिंपली गाइज आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। और अगर आपको फोटो में चले जाना है तो गाइज यहाँ पर आपको अपने फोटो सेलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। तो चलिए गाइज मैं यहाँ से अपने फटाफट से फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। गाइज आपको यहाँ पर अपने फोटो 5 फोटो सेलेक्ट कर लेने हैं, 1 2 3 4 5। तो चलिए गाइज मैंने यहाँ पर 5 फोटो अपने सेलेक्ट कर लिए है। एंड गाइज यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये फोटो ऐड हो गए हैं। तो सबसे पहले गाइज आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको ऊपर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ओरिजिनल का। तो सिंपली गाइज आपको ओरिजिनल पर क्लिक कर देना है। एंड गाइज आप यहाँ पर जिस भी रेशियो में वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ पर गाइज आपको रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर 9:16 की रेशियो में वीडियो क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर 9:16 की रेशियो सेलेक्ट कर लिया है। तो सिंपली गाइज आपको करना क्या होगा, जो ये आउटर आ रहा है इसका वाटर मार्क आया, आपको इसको डिलीट कर देना है। एंड गाइज आपको फर्स्ट फोटो पर क्लिक कर देना है, और गाइज इसके लेयर को आपको 4.00 करना है, ठीक है। आपको इसके लेयर को 40 कर लेना है, ठीक है। तो गाइज मैं यहाँ पर कर देता हूँ 4.00 आपको रखना है। और रखने के बाद गाइज अब आपको करना क्या होगा, सिंपली गाइज आपको प्लस पर क्लिक कर देना है एंड म्यूजिक में जाना है। एंड यहाँ पर आपको प्लस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एक्सेक्ट फ्रॉम वीडियो। तो चलिए गाइज आपको इस पर क्लिक कर देना है, और एक वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे ओके पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो का पहले ही सॉन्ग यहाँ पर इसका सॉन्ग बना रखा है, तो ये रहा यहाँ पर सॉन्ग, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये सॉन्ग ऐड हो गया है। तो सिंपली गाइज अब आपको करना क्या होगा, सबसे पहले गाइज आपको यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना है, वीडियो में जाना है। एंड गाइज एक वीडियो का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सिंपली उस वीडियो को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है गाइज मैं उस वीडियो को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर गाइज ये वाला वीडियो है वो। तो सिंपली गाइज आपको करना क्या होगा, आपको कुछ इस तरह से करके इसको फुल स्क्रीन कर लेना है। एंड गाइज फुल स्क्रीन करने के बाद गाइज आपको इसमें 4x तक ही, यानी कि 4 सेकंड तक ही आपको इसको ऐड करना है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है आपको सिंपली कट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 4 सेकंड तक इसमें यहाँ पर रखा है। तो सिंपली करना क्या होगा, आपको इस वीडियो पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ब्लेंडिंग का। तो सिंपली गाइज आपको ब्लेंडिंग पर जाके स्क्रीन सेलेक्ट कर लेना है, तो ठीक है। स्क्रीन सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर हमारा फोटो होगा। अब यहाँ पर आपको देखना है जो भी हमारे साउंड की यहाँ पर बीट आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर भी बीट आएगी तो वहाँ पर आपको अपना यहाँ पर इसमें एक इस तरह से कर लेना है, ठीक है। तो चलिए गाइज मैं साउंड को प्ले करके देख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक बीट आ रही है, ठीक है, एक बीट यहाँ पर आ रही। तो मैं इस पर यहाँ पर करता क्या हूँ गाइज, इस पर फोटो पर क्लिक करता हूँ, एफएक्स में जाता हूँ, और एफएक्स में जाके यहाँ पर जीटल पर क्लिक कर देता हूँ। और इस तरह से गाइज आपको इसमें ये इफेक्ट इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। इसको आपको ज़्यादा बड़ा भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा फोटो को ज़्यादा ही लाना है, ठीक है। तो ओके पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से फोटो आएगा, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ गाइज। इस तरह से करके आपको सभी फोटो को बीट के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। सभी फोटो को आपको बीट के हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेना है। तो सेकंड जो बीट आ रही है वो हमारी यहाँ पर आ रही है बीट, तो यहाँ पर आपको इस फोटो को कुछ इस तरह से करके आपको छोटा कर लेना है। एंड छोटा करने के बाद आप सेकंड फोटो पर आपको क्लिक कर लेना है, एफएक्स में जाना है, और गाइज आपको इसमें यही जीटल वाला आपको इसमें ऐड कर देना है, ओके पर क्लिक करना है। एंड गाइज जो हमारी सेकंड बीट आ रही है वो सेकंड बीट यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से करके मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ, और फिर से आपको फोटो पर क्लिक करना है, एफएक्स में जाना है, एंड गाइज आपको जीटल पर करके ओके पर क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद सिंपली अब आपको करना क्या होगा, जो हमारी यहाँ पर ये आ रही है गाइज, यहाँ पर बीट आ रही है थर्ड वाली, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस सेकंड हमारे यहाँ फिफ्थ फोटो पर आपको क्लिक करने के बाद एफएक्स में जाना है, एफएक्स में जाके फिर से आपको इसमें डिटेल वाला यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ओके पर क्लिक करना है, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है आपको सिंपली कट कर देना है, ठीक है।
तो मैं यहाँ से गाइज ये कट कर देता हूँ। तो गाइज मैं आपको ये वीडियो एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ कि कैसा बना है। तो यहाँ पर ये इस तरह से हमारा वीडियो बनकर रेडी हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से बन के हमारा फोटो यहाँ पर तैयार हो गया है। तो हमने इसमें इफेक्ट्स ऐड नहीं किया है, तो सिंपली आपको इफेक्ट्स में जाना है और इस तरह से इसमें इफेक्ट्स ऐड कर देना है, ठीक है। इस तो चलिए गाइज अब आपको करना क्या होगा, अब गाइज आपको करना क्या होगा, सो गाइज अब आपको करना क्या होगा, आपको फिर से प्लस पर जाना है और वीडियो में जाना है, और आपको एक वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सिंपली उस वीडियो को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली गाइज आपको इसमें एक वीडियो ऐड करना है, ठीक है। तो मैं इसमें यहाँ पर एक वीडियो ऐड कर लेता हूँ ये वाला, ठीक है। करने के बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको इसको फुल स्क्रीन कर लेना है, फुल स्क्रीन करने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है आपको कट कर देना है। एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ब्लेंडिंग का, तो ब्लेंडिंग पर जाकर आपको स्क्रीन सेलेक्ट कर लेना है, ओके पर क्लिक करना है। तो ये देख सकते हैं गाइज हमारा वीडियो अब बनने के रेडी हो गया है। तो मैं देख तो गाइज आप देख सकते हैं हमारा वीडियो कितना मस्त लग रहा है। तो गाइज अगर आप ये वीडियो अपनी गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो सिंपली गाइज आपको करना क्या होगा, आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। तो ये वीडियो गाइज आपकी गैलरी में सेव होने लगेगा। यहाँ पर नीचे देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है एक्सपोर्टिंग का, तो ठीक है। आई होप गाइज आज की इस वीडियो में बस मुझे आपको यही सिखाना। तो गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर गूगल पे कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले अभी पहुंचे। मैं मिलता हूँ आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।